गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग फार्माकोग्नोसी में प्रीवियस की जो ग्रास एनाटॉमिकल स्टडीज ऑफ क्रूड ड्रग ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, उसमें नई ड्रग डिस्कस करने जा रहे हैं। ड्रग का नाम है क्लोव और हिंदी में उसको कहते हैं लौंग, मराठी में कहते हैं लवंग। तो उसका मॉर्फोलॉजिकल और ट्रांसक्रिप्शन दोनों डायग्राम आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ में। आपके सामने यहाँ पर मैंने मॉर्फोलॉजिकल डायग्राम बनाई है। ये डायग्राम दो नंबर के लिए एग्जाम में आती है, जब मॉर्फोलॉजिकली बनाने के लिए बोला तो ये डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है? और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं एंटायर क्लोव बर्ड में क्या क्या मिलने वाला है। जैसे कि क्लोव एक बर्ड है, बर्ड मतलब क्या होता है, कली, वो पूरा ब्लोन नहीं हुआ है। तो ये कली दिख रही है आपको, दिस पोर्शन ये जो है ना वो कली वाला फॉर्म है, जो उसको कहते हैं क्लोव बर्ड, और वही जेनाइन और ऑथेंटिक ड्रग है। अगर आप फ्लावर वाला ब्लोन क्लोव लोगे तो वो जेनाइन ड्रग नहीं है, उसमें परसेंटेज ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कम रहता है। तो हमको पढ़ना है क्लोव बर्ड, ठीक है? मैं लिख भी देती हूँ, क्लोव बर्ड यहाँ लिखा है मैंने, आप ध्यान से इसको याद रखिए, क्लोव बर्ड ही इंपॉर्टेंट है। नाउ जैसे कि ये मैंने कहा ये बर्ड है, तो ये कोरोला है। कोरोला मतलब जो फ्लावरिंग कंडीशन में जो फूल खिलता है तो उस पोर्शन को कहते हैं कोरोला। आप जब क्लोव को ओरिजिनल देखते भी तो ऊपर ऐसे ना पत्तियों समान दिखता है, तो उसको कहते हैं पेटल्स, उसमें फूलों की पत्तियों जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। एंड यहाँ पर साइड में दो तीन ऐसे कांटे जैसे रहते हैं, वो सेपल्स या कैलिक्स जो फ्लावर में रहता है। और फिर बाद में एक ब्राउन कलर का सा स्टॉक जैसा पोर्शन रहता है, उसको कहते हैं हाइपेंथियम। तो ये चार नाम और ये क्लोव का डायग्राम इस तरीके से बनाने के आपको 2 मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है? नाउ अब हम देख रहे हैं टीएस ऑफ क्लोव बर्ड। जो बर्ड होता है उसका हम जब टीएस लेते हैं तो हमको क्या क्या दिखने वाला है वो हम देखेंगे। हमारा जो टीएस है ना वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द क्यूटिकल, ठीक है? क्यूटिकल से स्टार्ट होता है, उसके बाद में एपिडर्मिस रहती है, फिर ये व्हाइटिश कलर से मैंने दिखाया है पैरेन्काइमा, और यहाँ पे लॉन्ग, ये जितने भी है ना ये सभी ऑयल सेल्स है, क्योंकि क्लोव वोलाटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग है। इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में वोलाटाइल ऑयल रहता है, ऐसा तीक्ष्ण और पंजेंट टेस्ट होता है उसका, इसलिए ऑयल सेल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। उसके साथ ही नेक्स्ट जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नोन एज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में रहता है वैस्कुलर बंडल और उसमें रहते हैं ज़ाइलम एंड फ्लोएम्स। नाउ यहाँ से नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट हो जाता है मिडिल पोर्शन। उसके पहले एक हॉलो रीजन है, हॉलो रीजन मतलब कि एयर स्पेसेस है, एंड दिस एयर स्पेसेस आर कवर्ड बाय सर्टेन टाइप्स ऑफ सेल्स नेम एज पैरेन्काइमा, ठीक है? वहां पे लिखा हुआ है, देखो पैरेन्काइमा। नाउ आफ्टर दैट ओवरी वाला पोर्शन शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये बर्ड है तो इसमें जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी रहेंगे, तो यहाँ से जो पोर्शन है ना वो ओवरी का स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में जाइलम और फ्लोएम की लाइनिंग से, और फिर ये जो सेंटर में जो पोर्शन है दिस पोर्शन इज नोन एज कॉलुमेला। वैस्कुलर बंडल के दो पोर्शन आपको याद रखने हैं, जाइलम और फ्लोएम रहेंगे। ये जो लाइनिंग है ये ओवरी की लाइनिंग है, और यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर जो है ओवरी का शुरू हो जाता है, एंड सेंटर में जो पोर्शन रहेगा दैट इज नोन एज कॉलुमेला। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज टीएस ऑफ क्लोव बर्ड देखा। एक बार फिर से बता रही हूँ कौन सा पोर्शन हमने देखे। तो हमारा जो टीएस है वो ब्राउन कलर का क्यूटिकल से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट लाइन थी एपिडर्मिस, ये जो लाइन है ये लाइन, दिस इज लाइन इज नोन एज एपिडर्मिस, एंड वाइट पोर्शन इज नोन एज पैरेन्काइमा। दिस सेल्स आर नोन एज ऑयल ग्लैंड्स, क्योंकि ये वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग है। और ये है वेस्कुलर बंडल्स जिसमें जाइलम और फ्लोएम रहते हैं, एंड दिस इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। आफ्टर दैट देयर इज लेयर ऑफ पैरेन्काइमा, एंड पैरेन्काइमा के बाद हमारा ओवरी, और ओवरी के बाद शुरू हो जाता है वेस्कुलर बंडल। इसमें भी सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल बोल सकते हैं आप इसको, जाइलम एंड फ्लोएम, एंड मिडिल पोर्शन इज नोन एज कॉलुमेला। ये जो मिडिल पोर्शन रहते हैं इसमें कई बार आपको जैसे अगर स्टॉक का क्लो का स्टॉक देख रहे हैं या ब्लोन क्लो देख रहे हैं, तो यहाँ पे ब्लोन क्लो रहेगा, क्लो का जो फ्रूट रहेगा तो यहाँ पे स्टार्च रह सकता है, तो वो हाइड्रेशन पता करने के काम में आ सकता है। अगर वो स्टॉक है क्लो का तो वहां पर कैल्शियम ऑक्साइड क्रिस्टल्स रहेंगे जो कि क्लो बर्ड के टीएस में नहीं रहेगा, ठीक है? तो इस तरीके से क्लो बर्ड जो है ये हम इसको जेनाइन ड्रग को आइडेंटिफिकेशन इस तरीके से टीएस की स्टडी करके देख सकते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, टीएस ऑफ क्लोव बर्ड एंड मॉर्फोलॉजिकल डायग्राम ऑफ क्लोव। थैंक यू।